विस्तार से सफलता की जो रूपरेखा गुजरात ने पेश की, उनमें देश साझेदारी भी बना और आज देश को उसका लाभ भी मिल रहा है। मुझे खुशी है कि सरदार डैम ट्रस्ट ने भी सामूहिक प्रयासों से अपने लिए अपने 5 और 10 सालों के लक्ष्य तय किए हैं। आज देश भी अपनी आजादी के 100 सालों के सपनों को पूरा करने के लिए ऐसे ही लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है। सरकार में अब एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन भी किया गया है। किसानों, नौजवानों को सहकार की शक्ति का पूरा पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। समाज के जो वर्ग, जो लोग पीछे छूट गए हैं, उन्हें आगे लाने के लिए सतत प्रयास हो रहा है। आज एक और दलितों, पिछड़ों के अधिकारों के लिए जिम्मेवारी के साथ अनेक काम हो रहे हैं, तो वहीं आर्थिक आधार पर पिछड़ गए सवर्ण समाज के लोगों को भी 10% आरक्षण दिया गया है। इन नीतियों का ही परिणाम है कि आज समाज में एक नया आत्मविश्वास पैदा हो रहा है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, सत विद्या यदि का चिंता वरा कोदर पूर्णे, अर्थात जिसके पास विद्या है, ज्ञान और कौशल है, उसे अपनी आजीविका के लिए, जीवन की प्रगति के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। सक्षम व्यक्ति अपनी प्रगति के लिए खुद ही रास्ते बनाता है। मुझे खुशी है कि सरदार डैम ट्रस्ट द्वारा शिक्षा और कौशल पर बहुत जोर दिया जा रहा है। हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी इस बात पर विशेष फोकस है कि हमारी शिक्षा कौशल बढ़ाने वाली होनी चाहिए। भविष्य में मार्केट में कैसी स्किल की डिमांड होगी, फ्यूचर वर्ल्ड में लीड करने के लिए हमारे युवाओं को क्या कुछ चाहिए होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्टूडेंट्स को शुरुआत से ही इन ग्लोबल रियलिटीज के लिए तैयार करेगी। आज स्किल इंडिया मिशन भी देश की बड़ी प्राथमिकता है। इस मिशन के तहत लाखों युवाओं को अलग अलग स्किल सीखने का अवसर मिला है, वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट का अवसर भी मिल रहा है और उनकी आमदनी भी हो रही है। मानव कल्याण योजना और ऐसी ही दूसरी अनेकों योजनाओं के जरिए गुजरात खुद भी इस दिशा में तेजी से प्रयास कर रहा है और इसके लिए मैं गुजरात सरकार को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। कई सालों के लगातार प्रयासों का परिणाम है कि गुजरात में आज जहां एक और स्कूल ड्रॉपआउट रेट 1% से भी कम हो गया है, वहीं अलग अलग योजनाओं में लाखों युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के जरिए नया भविष्य मिल रहा है।